महाराष्ट्र में बस में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत। पंजाब बिहार सहित गुजरात में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में 2 पुलिस जवानों की हुई मौत। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। केंद्रीय मंत्री ने सभी पार्टियों से की जे अपील। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को संसद के मानसून सत्र की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। चिप्स खाते खाते छात्र की मौत। जमशेदपुर में लंच के समय स्कूल में अचानक हुई बेहोश, अस्पताल में तोड़ा दम। बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित वीर दविंदर सिंह का आज निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। आज सुबह 11 बजे उन्हें आखिरी सांस ली। पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर दविंदर के निधन पर सीएम मान ने जताया दुख। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, 31 अगस्त तक चलेगी। आज 1 जुलाई से देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC मर्जन प्रभावी हो रहा है। इस मिशन के बाद बैंक की सभी ब्रांच में HDFC लिमिटेड की सेवा में मिलने लगेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश में GST लागू होने के बाद चौथी बार है जब GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। महाराष्ट्र में बस में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत। पंजाब बिहार सहित गुजरात में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में 2 पुलिस जवानों की हुई मौत। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। केंद्रीय मंत्री ने सभी पार्टियों से की जे अपील। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को संसद के मानसून सत्र की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। चिप्स खाते खाते छात्र की मौत। जमशेदपुर में लंच के समय स्कूल में अचानक हुई बेहोश, अस्पताल में तोड़ा दम। बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित वीर दविंदर सिंह का आज निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। आज सुबह 11 बजे उन्हें आखिरी सांस ली। पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर दविंदर के निधन पर सीएम मान ने जताया दुख। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, 31 अगस्त तक चलेगी। आज 1 जुलाई से देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC मर्जन प्रभावी हो रहा है। इस मिशन के बाद बैंक की सभी ब्रांच में HDFC लिमिटेड की सेवा में मिलने लगेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश में GST लागू होने के बाद चौथी बार है जब GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।